इससे आगे ये जो रास्ता है ये तिब्बत की तरफ जाता है। स्थानीय लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो पहले तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे इसी रास्ते से। ये सीढ़ियाँ यहीं तक आती हैं और यहाँ से आगे ये रास्ता समाप्त हो जाता है, यानी हमारे पास जो परमिशन है वो सिर्फ यहीं तक की है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से। अभी हम गंगोत्री धाम से थोड़ा सा ही दूर आए हैं और सुबह हम पूजा वूजा करके आए हैं मंदिर। आज हम जाने वाले हैं गरतांग गली, जो लगभग 150 साल पहले बनाई गई थी। जब भारत से तिब्बत के लिए जो व्यापार हुआ करता था तो उसी गली से व्यापारी जाया करते थे। तिब्बत के व्यापारी इधर आया करते थे और भारत के व्यापारी उस साइड जाया करते थे व्यापार करने के लिए। वो जो गली है, जब चाइना बॉर्डर हुआ था तो उसको बंद कर दिया गया था और लगभग 59 साल बाद, यानी 60 साल बाद उस गली को फिर से खोला गया है पर्यटकों के लिए। तो जब आप हरसिल से गंगोत्री की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक लंका ब्रिज पड़ता है। लंका ब्रिज के पास में ही उसका एंट्री है, मतलब वहाँ से आप लोग फॉरेस्ट वालों से परमिशन लेंगे, वहाँ टिकट वगैरह लगता है, जैसा भी होगा आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आज चलते हैं, हम भी देखते हैं उस गरतांग गली को किस तरह की वो बनी हुई है। चीड़ की लकड़ियों से उसको बनाया गया। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ये है लंका ब्रिज और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे बस आगे गरतांग गली का रास्ता है। यहाँ पे ये ऑफिस है गरतांग गली जाने के लिए, तो यहाँ से आप लोगों को टिकट लेना होगा। पर पर्सन का 200 रुपये का चार्ज लगता है। ये कुछ इस तरह की परमिशन दी जाती है आगे जाने के लिए और यहाँ पे आप जो गाड़ी वगैरह लाएंगे उसकी पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ से हमको 2 किलोमीटर आगे की तरफ जाना है और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप यहाँ से जाते हैं तो पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। हमारे पास थी नहीं तो सर ने यहीं से दी है हमारे लिए कि आगे पानी की ज़रूरत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि पूरा हाइट पर चलना होगा। आ जाओ, आगे हमें कुछ इस तरह के बटरफ्लाई वगैरह और उधर वो वर्ड है ना, ये गरतांग गली में देखने के लिए मिलेंगे। गरतांग गली जाने का जो रास्ता है ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान है और पहाड़ों को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक पहाड़ हैं जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष आप लोगों को देखेंगे, पेड़ देखेंगे। और यहाँ से अभी ऐसी ढलान थी, अभी काफ़ी नीचे तक जाना है, उसके बाद फिर हमको ऊपर की तरफ जाना है। मतलब पहले नीचे की तरफ ढलान है उसके बाद फिर चढ़ाई है, कुछ इस तरह का रास्ता यहाँ पे है। और अभी हम दो ही पर्यटक इधर जा रहे हैं, हमें कोई मिला नहीं, हो सकता है आगे कोई और मिल जाए लेकिन हमारे साथ कोई नहीं था, हम दो ही हैं जाने वाले। अब यहाँ पर जो रास्ता है ना बिल्कुल सीधा है, खड़ी चढ़ाई है। शायद आप लोगों को कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे सामने लंका ब्रिज है जहाँ से हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट किया था। एक बार जूम करके दिखाते हैं आपको, ये लंका ब्रिज है जहाँ से हम लोग आए हैं सामने। अब यार सोचने वाली बात ये है कि ये ब्रिज कैसे बनाया गया है, कितना गैप है इसके बीच में। आखिरकार हम उस गरतांग गली में पहुँच गए हैं जहाँ से जो लकड़ी का पुल है वो स्टार्ट होता है, आगे वहाँ से लकड़ी का पुल स्टार्ट है। और यहाँ पे गरतांग गली में लकड़ी सीढ़ी पर जाने हेतु नियम कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप आगे जाएंगे। तो ये जो पुल है 150 साल पहले इस पुल को बनाया गया था और ये लकड़ी का पुल है, लकड़ियों को कुछ इस तरह के फंसाया गया है। आगे आते हैं और आगे चल के आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे मतलब ये जो लकड़ी हैं, इन लकड़ियों को कुछ इस तरह से फंसाया गया है, ये इसको काटा गया है पहाड़ को और इन लकड़ियों को लोहे की रॉड के सहारे इसको फंसाया गया है। पहले लोहे की रॉड इसके अंदर फंसी गई है, उसके ऊपर इन लकड़ियों को बिछाया गया है, इस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया है। और ये जो पुल है ये 136 मीटर, मतलब इसकी जो लंबाई 136 मीटर है। प्राचीन समय में ये जो पुल था ये हरसिल क्षेत्र से, मतलब जो पैदल का रास्ता है उससे होते हुए और नेलांग गांव तक जुड़ा हुआ था, जहां से जो स्थानीय लोग हैं जो व्यापार किया करते थे तिब्बत के साथ में। और 1962 में जब भारत चाइना बॉर्डर हुआ था उसके बाद इस ट्रैक को बंद कर दिया गया। बाद में 2021 में
पर्यटकों को देखने के लिए इस ट्रैक को फिर से खोला गया है और लगभग 60 सालों तक ये ट्रैक बंद रहा, जिसकी वजह से पूरा जर्जर हो गया था, तो इसकी मरम्मत हुई है और उसके बाद में पर्यटकों के देखने के लिए इस ट्रैक को खोल दिया गया है। सोचो उस समय में इन सीढ़ियों को कैसे बनाया गया होगा। आज के समय में तो तकनीकी का ज़माना है तो लोग मशीनों से इस काम को कर लेते हैं, लेकिन उस समय में इस काम को कितनी बारीकी से किया गया होगा कि एक पत्थर के नीचे पूरी ये जो सीढ़ियां हैं ये बनाई गई हैं, उनको काट के रॉड फंसाई गई है और उसके बाद इस मतलब पुल को बनाया गया है। और आगे ये पहले नेलांग वैली तक यानी नेलांग गांव तक ये जुड़ा हुआ रास्ता था। नीचे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जो नदी बह रही है ना उसका पानी बिल्कुल नीला है। दोस्तों जब ये गली नहीं थी तब तिब्बत के व्यापारी नेलांग घाटी चढ़कर आते जाते थे। रास्ता इतना ज़्यादा कठिन था कि कई बार बे और सामान ढोने वाले उनके जानवर रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। 17वीं शताब्दी में नेलांग जादौर के जाद समुदाय के एक सेठ ने पेशावर के पठानों की मदद से ये रास्ता बनाया। तिब्बत के व्यापारी इस गली से होते हुए ऊन चमड़े के बने कपड़े जूते और नमक का व्यापार करने उत्तरकाशी जाते और लौटते हुए तेल मसाले दाल गुड़ और तंबाकू आदि तिब्बत ले जाते। तिब्बत के इन व्यापारियों को दूरजी कहते थे। ये सीढ़ियाँ यहीं तक आती हैं और यहाँ से आगे ये रास्ता समाप्त हो जाता है, यानी हमारे पास जो परमिशन है वो सिर्फ यहीं तक की है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे ये एक जाली का छोटा सा गेट लगाया हुआ है कि इससे आगे जो पर्यटक हैं वो नहीं जा सकते। जो परमिशन मिलती है वो सिर्फ यहीं तक की मिलती है, आप लोग यहीं तक घूम सकते हैं और इससे आगे ये जो रास्ता है ये तिब्बत की तरफ जाता है। स्थानीय लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो पहले तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे इसी रास्ते से। 1962 में भारत और चाइना वॉर के बाद में ये जो रास्ता है इसको बंद कर दिया गया और 2021 में इस रास्ते को पर्यटकों के लिए फिर से एक बार खोल दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं देखने के लिए। और ये जो पुल है इस तरह का पुल 136 मीटर का है। जितनी कठिनाई इस पुल पे नीचे उतरने में नहीं होती है उससे ज़्यादा कठिनाई इसके मतलब वापस जाने में, जब आप लोग वापस जाएंगे तो ऊपर चढ़ने में होती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है लगभग 11,000 फीट पे ये पुल बना हुआ है। जब 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था उस समय पे जो नेलांग और जादूर जो दो गांव थे वहां पे वो खाली करा दिए गए थे और वहां के जो लोग थे वो नीचे आके हरसिल बगोरी और डुंडा में जाके बस गए थे। अभी हम लोग गरतांग गली घूम के वापस आ गए हैं और अब हम जाने वाले हैं हरसिल। आज हम हरसिल में स्टे करेंगे और कल आपको अच्छे से हरसिल घुमाएंगे, क्योंकि हरसिल जो है वो काफ़ी खूबसूरत गांव है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस समय जो नेलांग और जादौर जो गांव थे वो वहां पे खाली कराए गए थे, तो उनके जो लोग थे वो हरसिल और बगोरी जो गांव हैं उसमें वहां पे वो लोग रह रहे हैं। वो लोग वहाँ पर सिर्फ 6 महीने रहते हैं और 6 महीने के लिए वो नीचे उत्तरकाशी की तरफ डुंडा चले जाते हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे, चलिए चलते हैं हरसिल की तरफ। हम लोग हरसिल पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ पे गेट बना हुआ है हरसिल का, तो इधर से हमको जाना है। ये है हरसिल, चलिए जी। हरसिल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ये यहाँ पे गेट बना हुआ था हरसिल जाने का और आगे है हरसिल गांव। इस पुल को क्रॉस करते ही आगे हरसिल है, ये बाप रे कुछ भी नहीं बदला भाई साहब। आज से 3 साल पहले आया था लगभग मैं, उस टाइम पे भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसे कैसे ही है। यह है पंजाब नेशनल बैंक हरसिल शाखा, ये है कुछ हरसिल का नज़ारा। और ये है हरसिल का बस स्टैंड, यहाँ पहुँचते हैं, पिछली बार मैं यहीं पर रुका था। हरसिल में तो रूम नहीं मिला, अभी हम जा रहे हैं
दूसरे गांव में, और हरसिल से भी अच्छा ये गांव है। सबसे ज़्यादा बागान जो सेब के हैं वो इसी गांव में हैं। बगौरी है गांव का नाम, बगौरी। आखिरकार हम लोगों को आसियाना मिल गया है। ये है वो होम स्टे जिसमें हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये है बगौरी गांव, जो काफ़ी खूबसूरत गांव है। आने वाली जो वीडियो है वो मैं इसी गांव की बनाऊंगा और हरसिल की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये राजमा वगैरह इन लोगों का पड़ा हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत आने वाली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।